नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पहले भटूरे को फुलाने के लिए उसमें इनो डालिए, फिर भटूरे से फूले पेट को पिचकाने के लिए इनो पीजिए। जीवन के कुछ गुड़ रहस्य आप कभी नहीं समझ पाएंगे। पांचवी तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंद थे, तब कॉपी किताबों पर जिल्द चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव मनाने जैसा था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, ना हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में ना पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के बीच वाले डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठा कर हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली से स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसीलिए कि हम कम पिटे और पीटने वाला इसीलिए खुश होता था कि हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन यह सच है, हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी आया ही नहीं। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बन रहे हैं। शायद ख्वाब बनना ही हमें जिंदा रखे, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम सब साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बच्चों के पन्नों को पलटिए, सच में फिर से जी उठेंगे। और अंत में हमारे पिताजी के समय में दादाजी गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग मेरा राज दुलारा। हमारे जमाने में हमने गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब हमारे बच्चे गा रहे हैं, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सही, वास्तव में हम कहां से कहां आ गए, एक बार मुड़कर तो देखिए दोस्तों। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।